अखिलेश यादव ने विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय को नेता प्रतिपक्ष बनाकर चाचा शिवपाल यादव को किनारे लगा दिया, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो मानसून ऑफर बीजेपी के लिए खोला था वो उल्टा पड़ गया और चाचा से डर गए कि वो कभी भी पार्टी तोड़ सकते हैं। वहीं एक और खबर इन दिनों सियासी गलियारों में गुज रही है, वो खबर ये है कि शिवपाल सिंह यादव 10 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ताकि इस कार्यकाल में बहुमत की झिकझिक बीजेपी के लिए खत्म हो जाए। हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने यहां तक कह दिया है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग अपराधों में लिप्त हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सपा नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पर भी तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव ने चाचा को गच्चा दे दिया। हालांकि इसके जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने ऐसा दावा किया है जिससे हर कोई हैरान है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव ने चाचा को गच्चा दे दिया। इस पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा, मुझे गच्चा नहीं मिला है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 3 वर्षों तक योगी के संपर्क में थे तो गच्चा तो आपने भी दिया। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने आगे कहा, माता प्रसाद पांडेय जी बहुत सीनियर नेता हैं। शिवपाल ने कहा, पहले हम विधानसभा में पीछे बैठते थे, अब आगे आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा, जब आपने गच्चा दिया तो प्रदेश में चुनाव में पीछे हो गए, 2027 में सपा फिर आगे होगी। शिवपाल सिंह यादव यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहां तक कह दिया है कि आपके डिप्टी सीएम फिर आपको गच्चा देंगे। दरअसल यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की दौड़ में शिवपाल सिंह यादव राम अचल राजभर का नाम आगे चल रहा था। माना जा रहा था कि अखिलेश यादव पीडीए कार्ड को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं में से किसी एक को मौका दे सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव पहले भी नेता विपक्ष रहे हैं, हालांकि अखिलेश ने सबको चौंकाते हुए माता प्रसाद पांडेय का नाम आगे बढ़ाया और पूर्वांचल में ब्राह्मण कार्ड खेला। ये शिवपाल सिंह यादव के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि अखिलेश यादव के दिल्ली में कमान संभालने के बाद माना जा रहा था कि वो चाचा को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बड़ा कमान दे सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कर अखिलेश यादव ने शिवपाल की सियासी पारी खत्म होने के संकेत दे दिए हैं। उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं लोकसभा सीट से टिकट दिया गया था, जो अब सांसद बन चुके हैं। शिवपाल के बहाने भाजपा को सपा पर पलटवार करने का मौका भी मिल गया है, जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम के बीच कथित मतभेदों पर खूब प्रहार कर रही थी। अखिलेश यादव ने खुद केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड बता डाला था। वहीं केशव प्रसाद कहां चुकने वाले थे, उन्होंने शिवपाल को नेता विपक्ष न बनाए जाने पर उनकी पीठ में छुरा घोपने का आरोप भी अखिलेश यादव पर लगाया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।